हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आज 3 फरवरी है, संडे है, एंजॉय कीजिए। आज अपडेट लेके आया था जी एंटरटेनमेंट पे। मैंने पहले भी आपको जी एंटरटेनमेंट पे दिया था और बोला था कि इसमें गिर रहा, आपको खुद का डिसीजन लेना है। अभी आप इसमें जो पैटर्न अब चार्ट पे जो बन रहा है, इसमें से क्लियर इंडिकेशन है कि अभी आपको इसमें कोई पोजिशन नहीं बनानी चाहिए। उस समय मैंने आपको सेल पे छोड़ा था, ये आपका डिसीजन है। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि एक बाउंस बैक जो दिया ना, अब इसके बाद तुरंत ये नीचे भी शो करने लगा और लगभग ये लेवल पे आ गया। वो जो जिस वॉल्यूम से स्टॉक प्राइस देखे तो उस वॉल्यूम पे आ गया है और धीरे धीरे इसमें स्पाइक हो रहा है। वॉल्यूम में फिर से वो इंक्रीज दिखने को मिल रहा है। आप देखेंगे जब 19,95,55,000 का वॉल्यूम हुआ था, तब ये तोड़ के बहुत नीचे गया था। वापस 1,12,13,00,000 का वॉल्यूम हो रहा है और फिर वापस अब देख रहे हैं वॉल्यूम यहाँ पे धीरे 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 बढ़ रहा है, स्पाइक ले रहा है। 1,95,00,000 अभी क्या है यहाँ पे? 10,00,000, 10,00,000, 10,00,000 का 2 करोड़ का वॉल्यूम हो रहा है, 2,45,00,000 का। और इधर देखें डेरिवेटिव में देखें तो ये पुट की ओर बाइंग चल रही है, पुट की ओर खूब वैल्यू एडिशन हो रहा है। और आप देखेंगे तो 300 से लेकर के सबसे ज़्यादा वैल्यू एडिशन 340 पे हो रहा है और 300 पे क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट देखें तो 449 मीन्स 400-300 तक का सपोर्ट ये लेके चला गया है। और ऊपर अब यहाँ देखेंगे बाइंग जिस लेवल पे उससे ज़्यादा लेवल पे शॉर्ट किया जा रहा है। 400 लेवल पे 356,000, 1,36,000, 1,26,000, 1,11,000, तो अच्छे खासे वॉल्यूम से इसको शॉर्ट किया जा रहा है और निगेटिव पैटर्न बना रहा है यहाँ पे। तो जी एंटरटेनमेंट थोड़ा सा आप सावधानी बरतें। और इसका जो मेन कंसर्न था, आपको होल्डिंग परसेंटेज पे ही बता दिया था कि ये जो गिरवी रखा है 59.37%, एक बहुत बड़ा कंसर्न है। और अभी रिकमेंडेशन देख लीजिए एक बार, ये 28 जनवरी को रिकमेंडेशन ICICI डायरेक्ट ने 500 का दिया है, तो थोड़ा इस पर भी वाच रखिए। और 16 जनवरी को दिया है LKP सिक्योरिटी ने 595 का, उसी दिन HDFC सिक्योरिटी ने 512 का दिया है। तो ये फ्यू रिकमेंडेशन है जो आपको समझ के रखना चाहिए। 15 जनवरी को दिया है 550 का सारेगा ने, RIIFL ने 20 दिसंबर 2018 ये बहुत पुराना है 581 का दिया है। तो रिसेंटली अभी 500 का टारगेट इसमें आ रहा है। बट जिस पैटर्न से ये बन रहा है ना, जिस पैटर्न को आप देखिए खुद जो बना रहा है ना, ये एक थोड़ा सा डराने वाला है। और यहाँ पे लग रहा है कि ये वापस एक पैटर्न यहाँ ले करके अब नीचे की ओर आना चालू कर दिया है। तो 400 का लेवल जब तक ऊपर नहीं जाता है ना, तब तक थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी आपको इसमें। और मुझे लग रहा है कि ये नीचे एक अच्छा खासा लेवल आपको दिखा सकता है और अच्छा खासा दम गिरने का ये रखता है। और अगर इसके मैं मंथली को करूँ तो ये देखिए 370 का वापस ये नीचे चल जा चुका है, 370 के सपोर्ट को, तो वापस ये 310 पे जाकर के सपोर्ट ले सकता है। और पिछला 288 का बनाया था, लो बनाया था, एक छोटा सा स्पाइक था, मेन तो 377 था, उसके बाद एक खाली स्पाइक लिया था और कुछ लिया नहीं था। लेकिन उस समय जो 288 का लो बना था, अब ये बहुत बड़ा ही सपोर्ट होगा। और अगर 288 किसी तरह से ब्रीच करता है, 288 अगर ब्रीच करता है तो ये एक बहुत ही लो फॉल पे जा सकता है। आप देखेंगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट है इसको 314 और एक यहाँ पे बनता है 275 पे। अगर ये दोनों को तोड़ता है तो फिर सीधा यहाँ पे आकर के ये 178 तक के लेवल, 200 तक के लेवल को दिखा सकता है। तो एक ये, और जिस तरह से पैटर्न बन रहा है, लग रहा है कि ये बहुत जल्दी पहले 300 दिखाएगा आपको। अभी जो इसकी क्लोजिंग प्राइस है 354 की है, 354.40 की क्लोजिंग प्राइस है 1 फरवरी को। लेकिन जैसे भी इसमें वॉल्यूम वेटेड देख लीजिए, चाहे आप जो भी देखना चाहे देखिए, 368 की जगह 354 का है। क्लियर समझिए, निगेटिव पैटर्न 14 रुपये से डाउन है, तो क्लियर ये डाउन पैटर्न बना रहा है और लगता है कि एक बार नीचे की ओर जाएगा। 1 फरवरी को उसने क्या किया, ओपन तो हुआ 378 पे, 99 का हाई बनाया और उतना ही नीचे से फोर्स से नीचे की ओर 348 की ओर लो बनाया और लो पे ही क्लोजिंग लगभग दे दिया। 348 का लो और 54 पे जाके क्लोजिंग दिया, मीन्स
वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। अब वॉल्यूम भी देखिए तो अभी 2,45,00,000 का हो गया, तो लगता है वॉल्यूम के साथ अब यहाँ से फंड हाउस निकलने की कोशिश करेंगे। और आपको पहला जो सपोर्ट है 300-310 के आसपास जो सपोर्ट बताया आपको, यहाँ पे जो सपोर्ट है इसका, यहाँ पे 310 ये मान के चलिए, ये सपोर्ट 309-310 जो है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपके सामने रख देता है, ये 309 यहाँ तक आकर के वो टेस्ट कर सकता है और वापस तोड़ेगा ही, इस लेवल को भी तोड़ेगा और फिर यहाँ पे एक 229 का एक सपोर्ट तो नहीं जाएंगे, बट यहीं पर सीधा यहाँ पर लगता है उसके बाद बहुत नीचे तक आ सकता है, 175 तक भी दिखा सकता है। तो चलिए 175 पे है तो क्या करेंगे, अभी 175 पे ही बता देते हैं। इसके बाद यहाँ पे 178-180 का लेवल आ रहा है, यहाँ पे तक वो सपोर्ट लेकर के आ सकता है। तो देखिए ये कहाँ तक जाकर के आपको सपोर्ट लेता है और कहाँ तक जाकर के खड़ा होता है। तो जी एंटरटेनमेंट में थोड़ा सा निगेटिव पैटर्न है और वंस अगर 78 का टारगेट भी, इसमें 200 पहले आपको जो बोला हुआ है कि 200 पहले 200 का टारगेट दिखाएगा, फिर 175-178 का भी टारगेट ये दिखा सकता है। स्टॉप लॉस है आपको ऊपर में, जब भी जाए 400 के का स्टॉप लॉस लगा दे, इसका लो ले ले आप, इसका जो लो था वो हाई जो था 506 है, तब 506 को ले ले विथ स्टॉप लॉस ऑफ 506 और नज़दीक आपको लगाना है तो, और इसका स्टॉप हाई ले ले जो कि 481 है, तो 500 के स्टॉप लॉस से आप चाहें तो किसी केस में भी इसमें रुक सकते हैं। अभी ये 354 है और इतना भी अगर आपको ये लगता है कि ये और भी ऊपर है ये, तो इसका जो हाई है अगर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते तो 400 का हाई है और 354 पे क्लोजिंग हुआ है, तो अब 400 के हाई के स्टॉप लॉस, क्योंकि आपका जो मार्जिन होना चाहिए, गेन मार्जिन होना चाहिए वो लगभग उतना ही होना चाहिए, तो अगर 50 रुपया ऊपर लेते हो तो 50 रुपये से ज़्यादा नीचे मिलना चाहिए। नीचे की ओर तो 200 का लेवल है तो 150 रुपया मिल रहा है आपको, तो 400 पे भी आप देख सकते हैं, 400 लेवल जो है 399 का इसने जो हाई बनाया है उस दिन 1 फरवरी को, वो एक अब सपोर्ट का लेवल भी काम कर सकता है। अगर वो इसको क्रॉस करता है तो ठीक है, एक बार पॉजिटिव वापस ले सकता है, लेकिन अभी पैटर्न नहीं दिख रहा और वॉल्यूम भी नहीं दिख रहा है, वॉल्यूम सेल का ज़्यादा दिख रहा है और हो सकता है कि आपको आगे कमिंग वीक्स में और वॉल्यूम मिले इसमें, क्योंकि जो इतना फॉल किया हो और उसके बाद थोड़ा सा आप लेके फिर से सुस्त हो गया तो वो निगेटिव भी पैटर्न बताता है। तो जी एंटरटेनमेंट में थोड़ा सावधानी है, 400 के स्टॉप लॉस से आप रख सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं और हो सकता है ये आपको पहले 354-310 और फिर नीचे 278-250-200 के लेवल को दिखा सकता है। तो जी एंटरटेनमेंट में केवल एक सावधानी का, और पुट की बात करें तो आप पुट देखें यहाँ पे 28 फरवरी का है, जेल का है तो पुट भी देखें आप, अगर आपको उतना रिस्क वहाँ पे लग रहा है तो आप 340 का पुट 23 रुपये में मिल रहा है, तो आप चाहें तो उसको भी चेक कर सकते हैं। 28 फरवरी का हाई 24 रुपये का था, 8 रुपये का लो था, ओपन 13 पे हुआ था और 198% का ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ है, और अभी भी देखिए बाइंग क्वांटिटी 25,00,000 है, 256,000 है और सेलिंग सिर्फ आधा है, मीन्स अभी भी बाय करने को तैयार है इस लॉट को, तो अभी कोई चाहे तो 340 अपर साइड रिस्की लेवल, और अगर कम इन्वेस्टमेंट को करना चाहते हैं तो 300 का है, तो 300 का अगर चाहें तो आप कर सकते हैं, जो कि आपको ये 11 रुपये 20 पैसे के आसपास मिल रहा है, 4 रुपये का हुआ करता था, लॉट साइज है इसका 1300 का, तो 300 जिसको पेपर ट्रेड करना है लो रिस्क में, हाई रिस्क में करना है 340, तो आपको जैसा लगे वैसा पेपर ट्रेड कीजिए। 300 रुपये आपको मिल रहा है 11 रुपये 20 पैसे पे, यहाँ पे 11 रुपये 20 पैसे पे मिल रहा है अभी क्लोजिंग प्राइस है, और 340 का जो क्लोजिंग प्राइस है 23 रुपये है, और ये एक बार हो सकता है 290 की ओर जाके दिखाते हैं आपको, 290 की ओर जाने के लिए अग्रसर है, और अगर 290 तोड़ता है, 288 जो इससे प्रीवियस लो तोड़ता है तो 250 एंड 200 भी दिखा देगा, और अगर 200 तोड़ता है तो 175 और उससे भी नीचे जा सकता है, 150 तक जा सकता है। तो देखिए किस तरह से वॉल्यूम आता है इसमें, लेकिन इसमें
पुट की ओर ही बाइंग पोजीशन है, सेल की ओर ही बाइंग पोजीशन रिकमेंडेड है, बाय की ओर नहीं है। एट द मनी अगर देखें 352 तो क्या 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 350 पे एट द मनी जाकर के देखें तो आप देखेंगे 93,600 का पुट में एडिशन हुआ विथ क्यूमुलेटिव 343,000। वहीं पे इस पे देखेंगे तो कॉल पे सिर्फ 9,100 का शॉर्ट हुआ 63,000 का। तो पुट पे ज्यादा एडिशन हो रहा है, पुट पे ज्यादा संभावनाएं दिख रही है। और ओवरऑल अगर देखें टोटल जो देखें तो आपको सपोर्ट 300 का दिखा रहा है, 349 का सपोर्ट दिखा रहा है। और यहाँ पे 400 के लेवल को क्रॉस करने में हर्डल दिख रहा है 7,07,000 और 3,56,000 से शॉर्ट किया जा रहा है। तो 300 से 400 के रेंज में आपको ये घूम रहा है। तो 354 है तो 290 के टारगेट के लिए, और कोई कम रिस्की ट्रेडर है 290 का भी देख सकते हैं, लेकिन उससे नीचे जाने की जरूरत एकदम नहीं है क्योंकि आपको पुटदा नहीं मिलेगा, वैल्यू नहीं अगर नहीं किया वो। तो 290 से नीचे जाने से कोई फायदा नहीं है, 290 का 9 रुपये पे मिल रहा है। आप जाके बोलिएगा 220 का 1 रुपये 20 पैसे भी ले लेते हैं, आपका डिसीजन है, मेरा डिसीजन नहीं है। हो सकता है अगर वो 200 पे गया तो आपको 20-25 रुपये मतलब डबल ट्रिपल बहुत ज़्यादा फायदा हो गया, और अगर वो धीरे धीरे करके गया, चांसेस नहीं है धीरे धीरे करके जाने का, तो जोर से ही जाएगा। तो रिस्क टेकर और रिस्क टेकर जो एकदम लॉस करने को तैयार है वो तो चाहे तो 220 का 1 रुपये 20 पैसे मिल रहा है उसको भी ट्राई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। 220 का आपको 1 रुपये 20 पैसे में आ रहा है, 1300 रुपये का इन्वेस्टमेंट है, आप 1300 का इन्वेस्टमेंट करके 1400 रुपये का इन्वेस्टमेंट करके ये भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मार्केट में नहीं, ये सिर्फ पेपर ट्रेडिंग है, आपको सिर्फ अपने लिख के लिस्ट पे पेपर ट्रेडिंग करना है, मार्केट में कोई बाइंग नहीं करना है, मेरा कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से है और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से। आपको मार्केट में कोई भी पोजिशन बनानी हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही बनाएं, देख के ही बनाएं, प्रैक्टिस करते रहें, आपको अपने आप पता चल जाएगा। और ऐसे पैटर्न को देखने के बाद आपको क्या करना चाहिए, जो इतना हैवी फॉल के बाद अब जाता है, थोड़ा में सुस्त हो जाता है, फिर नीचे जाने की कोशिश कर रहा है 288 पे लोअर साइड है तो 300 की ओर टच 290 तक जा सकता है। तो आप उस ज्ञान को लेते हुए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके फिर कोई मार्केट में पोजीशन बनाए। मेरा कोई भी एडवाइस नहीं है, ये कोई भी एडवाइस नहीं है कि आप मार्केट में होइए, मेरा ओपिनियन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये वापस एक बार 290 जो अपने लो बनाए थे उस और ट्राई करेगा, पूरी जोर शोर से करेगा और 200, 500, 1000% करेगा और ये जाएगा। तो देखिए, आगे वाच कीजिए और देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।